जीएमसी नागपुर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस आपको डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। बताएंगे टोटल किस रैंक और मार्क्स पर एडमिशन हुआ 2020 में नीट के एग्जामिनेशन होने के बाद। डिफरेंट कैटेगरी वाइज जितनी भी कैटेगरीज हैं, जनरल, एससी, ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वीजे, NT1, NT2, NT3, D1, D2, D3, इन सभी कैटेगरीज में किस रैंक पर एडमिशन हुआ, EWS में किस रैंक पर एडमिशन हुआ, कितने मार्क्स पर एडमिशन हुआ GMC नागपुर में, क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के नीट एग्जामिनेशन में GMC नागपुर में, डिफरेंट कैटेगरी वाइज मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायर पड़ेगी आपको, मिनिमम कितना रैंक आपको लाना ही पड़ेगा 2021 के नीट के एग्जामिनेशन में, बताएंगे कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में भी। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मेट कवे। सो स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट जीएमसी नागपुर यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर की अगर हम बात करें, देन फ्रेंड्स अभी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है महासीईटी यानी महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो जो काउंसलिंग कराती है, उसमें हर काउंसलिंग के बाद, हर राउंड के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, अपलोड भी होता है वेबसाइट पर। आप महासीईटी की वेबसाइट पर जाकर आप उस रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी अलॉटमेंट होते हैं किसी भी कैटेगरी में महाराष्ट्र में स्टेट वाइज और किसी भी कॉलेज में, सबकी लिस्ट PDF में अपलोड होती है। ये राउंड वन का रिजल्ट है, PDF में अवेलेबल है, और ये राउंड टू का रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं, ये राउंड टू का रिजल्ट है। राउंड थ्री का जो रिजल्ट था ये रिजल्ट है राउंड थ्री का, लेकिन हम इस वीडियो में GMC नागपुर के बारे में बात कर रहे हैं, MBBS कोर्स के बारे में। थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट नहीं थी GMC नागपुर में, और इसके अलावा कोई भी MBBS कॉलेज में, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी थर्ड राउंड की काउंसलिंग तक, क्योंकि सेकेंड राउंड जो था उस सेकेंड राउंड में ही कंप्लीट सीट जितनी भी अवेलेबल थी MBBS की वो फिल हो चुकी थी महाराष्ट्र में। इस वजह से देयर इज़ नो वैकेंसी इन गवर्नमेंट MBBS कॉलेज, हेंस नो सिलेक्शन टू MBBS कोर्स इन दिस राउंड, यानी थर्ड राउंड में कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये कम्प्लीटली महासीईटी ने भी इसको डिक्लेयर किया था थर्ड राउंड के रिजल्ट में। बात करें फर्स्ट और सेकेंड राउंड की, देन फ्रेंड्स यहाँ से डेटा को शॉर्टलिस्ट किया हमारी टीम ने और आपके सामने हम एग्जैक्ट रैंक मेंशन कर रहे हैं कि किस रैंक पर एडमिशन हुआ था, और साथ ही साथ ये मार्क्स भी बताएंगे। यहाँ पर जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट में सीरियल नंबर है, ऑल इंडिया रैंकिंग है, नीट का रोल नंबर है, सीटी का फॉर्म नंबर है, नाम है, कैटेगरी है, कौन से कोटा में एडमिशन हुआ था, और उसके अलावा कॉलेज का नाम, कॉलेज का कोड दिया हुआ है। लेकिन मार्क्स यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन मार्क्स कितने रिक्वायर्ड थे ये भी हमारी टीम ने एनालिसिस कर मेरिट लिस्ट से मैच किया। मेरिट लिस्ट से मैच करने के बाद हम आपके सामने वो मार्क्स भी रखेंगे कैटेगरी वाइज, और MCC का जो वेबसाइट है यानी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है वहाँ पर जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी ऑल इंडिया 15% की, वहाँ की PDF अवेलेबल है, वहाँ पर भी रैंक मेंशन होता है। इस वीडियो में हम आपके साथ ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों की जो मार्क्स है वो हम रख रहे हैं आपके सामने, करेक्ट। सो यहाँ पर अगर हम बात करें देन फ्रेंड्स GMC नागपुर के लिए ऑल इंडिया कोटा की हम पहले बात कर लेते हैं। ये है ऑल इंडिया कोटा के अलॉटमेंट का लास्ट अलॉटेड रैंक, ये जनरल के लिए था 2546 यानी 2546, ओबीसी के लिए था 3089, मार्क्स रिक्वायर्ड थे 655, जनरल के लिए मार्क्स रिक्वायर्ड था 658 GMC नागपुर के लिए, महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि महाराष्ट्र के बाहर थे और ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू जिन्होंने प्रेफर किया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर और नागपुर में जिनका एडमिशन हुआ था। EWS की अगर हम बात करें, जनरल EWS, ये मार्क्स रिक्वायर्ड था 646 और रैंक था 4586, SC के लिए था 604, ST के लिए 531 और SC PWD के लिए जिनका कि अलॉटमेंट जनरल PWD कैटेगरी में हुआ था उनके मार्क्स थे 402, रैंक था 182849, राइट। सो ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है 2020 के सारे राउंड की काउंसलिंग के बाद AIQ 15% की GMC नागपुर के लिए। अगर आप मुंबई के बाहर के हैं, महाराष्ट्र के बाहर के हैं, आप टारगेट कर रहे हैं GMC नागपुर में एडमिशन लेने का 2021 में, देन फ्रेंड्स ये जो रैंक है कैटेगरी वाइज, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको ये रैंक रखना ही पड़ेगा अगर आप 2021 में GMC नागपुर जाना चाहते हैं MBBS के लिए नीट क्वालिफाई करने के बाद। देन मार्क्स थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन ये मार्क्स अगर आप लेके आते हैं, इससे अच्छे भी मार्क्स अगर लेके आते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। GMC नागपुर आपको 100% अलॉटमेंट हो जाएगा 2021 के नीट के रिजल्ट आने के बाद। ऑल इंडिया कोटा की बात थी, लेकिन अगर हम फ्रेंड्स जो स्टेट कोटा है
जीएमसी नागपुर का, महाराष्ट्र का जो कोटा है स्टेट कोटा के थ्रू जो अलॉटमेंट हुआ था फ्रेंड्स, ये है वो लिस्ट। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी वाइज हमने मेंशन किया है रैंक क्या रिक्वायर्ड था। ये जो डिटेल्स है ये डिटेल ली गई है महासिटी की वेबसाइट से, जो अलॉटमेंट की लिस्ट है वहाँ से डेटा को फिल्टर किया गया। हमें ये पता चला कि ओपन कैटेगरी में यानी जनरल के लिए ये मार्क रिक्वायर्ड था 609, रैंक था 15,746, D2 के लिए 612, NT3 के लिए 608, OBC के लिए 601, EWS के लिए 587 नंबर, GMC नागपुर के लिए, NT2 कैटेगरी के लिए 576, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के लिए ये रिक्वायर्ड था 575, NT1 के लिए 573 नंबर, D3 के लिए डिफेंस 3 कैटेगरी के लिए 566, D1 के लिए 560, VJ के लिए 558, SC के लिए 467, ST के लिए 386 और PH कैंडिडेट के लिए 144 नंबर। फ्रेंड्स ST, SC, VJ ये जो कैटेगरी और D1, D2, D3 की जो कैटेगरी है इनके साथ हिली एरियाज भी मेंशन है, इसी वजह से यानी हिली एरियाज का जो कट ऑफ था वो डाउन किया था ये, लेकिन ये कैटेगरी थी SC, ST की, इस वजह से इनको लास्ट रैंक पे मेंशन किया गया। ये हिली एरियाज के हैं, इनसे अच्छे नंबर जिनके थे जो कि हिली एरियाज से नहीं थे, नॉर्मल रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से थे, उनके जो मार्क्स हैं इनसे हायर थे, लेकिन ये लास्ट अलॉटमेंट था किसी भी कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर की डिटेल। फ्रेंड्स ये कंप्लीट डिटेल थी स्टेट कोटा की। अगर आप GMC नागपुर चाहते हैं 2021 में, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं आप, देन आपको फ्रेंड्स ये रैंक रखना पड़ेगा 2021 के नीट के एग्जामिनेशन में रिजल्ट आने के बाद। अगर आपका इससे रैंक अच्छा आता है, जितनी भी कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है इनमें अगर आपकी रैंकिंग इतनी आ जाती है नीट 2021 के एग्जामिनेशन में, मार्क्स थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है मार्क्स में, लेकिन अगर आप रैंक ये रखते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। ये कंप्लीट डिटेल थी नागपुर GMC के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स PGMC पुणे महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। Stay tuned with MedCoving. So friend, that was this video. If you like this video, please do share this content with your friends as well as please do not forget to subscribe our channel so that you never miss an important update regarding NEET 2020 and 2021. Thank you for watching MedCoving. Thanks a lot.